बिंद के गौरव इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित समारोह में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को भी बोलने का अवसर मिला। लेकिन उक्त गरिमापूर्ण कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा अपनी पुरानी भाषणबाजी को नहीं भूल पाए। जनार्दन मिश्रा ने शिक्षा की बातों को छोड़कर सभी उल जलूल मुद्दों पर भाषण दिया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि उन्हें यह चिंता है कि 60 वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्ण हुए, अब आने वाले 60 वर्ष में यहाँ के प्रिंसिपल मशीन होंगी, छात्र मशीन होंगे या कोई अन्य। सांसद जनार्दन मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी हुई है कि पति पत्नी बिस्तर पर सोते हैं तो पति अगर पूरब की तरफ अपना चेहरा करके सोता है तो पत्नी पश्चिम की तरफ, और मोबाइल में दोनों के बीच मोहब्बत होती है और आहें भरते हैं। इससे और आगे बढ़कर सांसद जनार्दन मिश्रा ने देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे इंजीनियरों और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सामने एक और ज्ञान का पिटारा खोला और कहा कि आने वाले समय में ऑनलाइन शादी होगी और ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे, बच्चे स्टील के होंगे, और यह विचार करना होगा मौजूद इंजीनियरों को। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरा छात्रों के सम्मेलन को भूतों का सम्मेलन कहा। आपको बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्रा कभी भी उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्रम हो या विद्यालय के, जहां पहुंचते हैं वहां अपना ज्ञान जरूर देते हैं। आपको याद ही होगा कि मॉडल स्कूल में उन्होंने कहा था कि वह पश्चिमी छठवीं में जब पढ़ते थे तो स्कूल में चाकू लेकर जाते थे और सिगरेट पीते थे। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में यह तो नहीं बताया, लेकिन कई ऐसे ज्ञान दिए जिन्हें सुनकर पूरा छात्रों ने जमकर तालियां बजाई। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सांसद जनार्दन मिश्रा ने इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती कार्यक्रम में राज्यपाल और देश विदेश में सेवाएं दे रहे इंजीनियरों के सामने क्या बखान की। भारत माता की। रीवा इंजीनियरिंग सत्र बुद्ध विनाश है, दीप ज्योति नमस्तुते। आइए हम सब दीप वर्तिका के उजाले से संकल्पित होकर मध्य प्रदेश और रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय के चौमुखी विकास का आवाहन करते हुए करतल ध्वनि के साथ सम्मिलित हो इस दीप प्रज्वलन में। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय डॉक्टर ए एस पिल्लई जी, और साथ में सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर बी के अग्रवाल सर, और दीप प्रज्वलन के साथ ही विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना वंदना करने के लिए महाविद्यालय की पूरा छात्र शिवांगी के नेतृत्व में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है ये सरस्वती वंदना। आज के इस पूरा छात्र सम्मेलन में उपस्थित हम सबके आदर के केंद्र मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और आधुनिक रीवा के शिल्पकार आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी जो हमारे उच्च शिक्षा और तकनीकी मंत्री हैं, डॉक्टर ए एस पिल्लई जी जो पद्म भूषण हैं और हमारे लिए गौरव के प्रतीक हैं, आदरणीय शर्मा जी पूर्व एमडी एनडीपीएस, राज्यपाल श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी को यहाँ पा करके हम सब गौरवान्वित हैं, और निश्चित रूप से उनके सानिध्य में ये सम्मेलन बहुत ही फलीभूत होगा, क्योंकि आज ये केवल पूरा छात्रों का सम्मेलन नहीं है, ये उन दूतों का सम्मेलन है जिन्होंने रीवा के नाम को, रीवा की गुणवत्ता को, रीवा की श्रेष्ठता को, रीवा की तकनीकी ज्ञान के विकास को
देश और विदेश में फैलाने का काम किया कि आप 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो AI प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये सवाल हमारे मन में आज गूंज रहा था, ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसमें पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। ऑनलाइन शादियां हो करने लगे आप, अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे तो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।